Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. And the fun thing, friends, is that this show will also come in Hindi. हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू और मेरा नाम है कुश पांडे. आप सबका स्वागत है हमारे खास शो में जहां पर हम फोकस कर रहे हैं पिछले दो साल से ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ना सिर्फ हिंदू से बल्कि हर उस पेपर से, हर उस वेबसाइट से जहां से एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है. एंड आपके फीडबैक पर हमने अपने शो को बार बार चेंज किया है और लगातार आपके फीडबैक पर वी विल मेक दिस शो अ मच मच बेटर शो. तो चलिए अब आपको दिखा दें हमारा मॉर्निंग कोट ऑफ द डे जो कि ये रहा अब आपके सामने. Life begins at the end of your comfort zone. ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है पर बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं. सो लेट्स सी एंड आई होप इन द कमिंग फ्यूचर आप सब इसे कर पाएँ. तो चलिए वापस स्क्रीन पे आए एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट ऑफ अ हेडलाइन. पर उससे पहले दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो PDF होगा That shall be made available after the show gets over. यहाँ पर उसको आप show के बाद देख सकते हैं. तो चलो आगे वापस स्क्रीन पर आते हैं एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट ऑफ द हेडलाइंस गाइस जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर. कैबिनेट क्लियर्स बिल टू रिस्टोर द प्रोविजन्स ऑफ SC ST Act. देखिए बात समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा कैबिनेट है उसने कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो एक अमेंडमेंट था अमेंडमेंट एक्ट शैल नॉट बी पास्ड, उसको वापस लिया जाएगा बिकॉज इट कंसिस्टेड ऑफ 3 things. उसमें 3 चीज़ें अमेंड करने की बात की थी विच वर आफ्टर द सेक्शन 18 ऑफ द ओ एक्ट. उसको अब जो आपकी SC ST जो आपकी सरकार है वो उसको रिस्टोर करेगी, मतलब वो उस अमेंडमेंट को पास नहीं करेगी. तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देखिए दिया भी हुआ है कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग दैट इट बेसिकली कंसिस्टेड ऑफ 3 clauses. इसमें 3 नए क्लॉज थे जिनमें पहला था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी इंक्वायर्ड आफ्टर फॉर FIR, नंबर 1. नंबर 2, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन अक्यूज ऑफ having committed an offence under the Act would not require any approval. And number 3, section 438 which deals with anticipatory bail should not apply to this Act. तो basically अगर हम बात करें तो कैबिनेट ने जो उसका एक बिल था उस बिल को उसने साफ साफ कहा है कि उसको वो अमेंड नहीं करेगी एंड इट विल रिस्टोर विद द ओरिजिनल. बाकी जो 3 clauses आपके सामने हैं उन 3 clauses को वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करने वाली है. पहला, there is no inquiry required for before filing an FIR. Arrest of a person can be allowed without any approval. और सेक्शन 438 जिसमें कि एंटिसिपेटरी बेल है उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाएगा. तो चलिए दिखाते हैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन. आप देख सकते हैं कि जो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनका जो SC ST Act है दैट अमेंडमेंट शुड नॉट हैपन. द 3 clauses दैट वो मैंशन अंडर दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट उसको अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको एड ऑन नहीं किया जाएगा, ऐसा सरकार ने यहाँ पर कहा है. सो लेट्स कम बैक टू स्क्रीन गाइस टू अंडरस्टैंड द SC ST Act विच is basically an act of contention for everyone. That act shall not be amended. उसको संशोधित नहीं किया जाएगा. जो उसके 3 clauses थी उसको भी यहाँ पर अमेंड नहीं किया जाएगा. याद रखिएगा क्लॉज नंबर 1, पहला क्लॉज क्या था, ये देखिए यहाँ दिया भी हुआ पहला क्लॉज आपका कि नो इंक्वायरी बिफोर फाइलिंग ऑफ एन FIR. नंबर 2, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट एनी अप्रूवल. एंड नंबर 3, सेक्शन 438, नो एंटिसिपेटरी बेल अंडर दिस ऑफेंस. ये 3 चीज़ें अब इसमें ऐड नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो ये बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर. ये देखो मैं नहीं चाहता आप मुझे शो को लाइक करो, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, पर प्लीज़ टेल मी कि आपको ये क्लियर हो गया. अगर हो गया एक बार लिख दीजिए यस सर यस सर यस सर इट इज़ ऑल राइट. बाकी हिंदी तो आप यहाँ पर देख ही चुके हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे अगले हेडलाइन पर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन, RBI रेजेज रेट्स अगेन बाय 25 basis points. नाउ गाइस बिफोर डिस्कसिंग एनी फर्दर, 100 basis points इज इक्वल टू 1%. सो 25 basis points इज इक्वल टू 0.25%. बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर है, मैं समझा रहा हूँ आपको कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेज दी रेट्स बाय 0.25% और बाय 25 basis points. अब जो आपका रेपो रेट है, द रेपो रेट राइट नाउ गाइज इज द रेपो रेट
रेट राइट नाउ गाइस इज एट 6.5%, और बाकी सारे रेट जो हैं वो भी आपके बढ़ गए. फॉर एग्जांपल द रिवर्स रेपो विल बी एट 6.25 एंड द बैंक रेट एंड द एमएसएफ विल बी एट 6.75. इससे होगा क्या, देखिए दिया हुआ है, इससे जो लोन्स की कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. द लोन द कॉस्ट ऑफ लोन्स विल बेसिकली इंक्रीज. सिमिलरली आरबीआई ऑल्सो स्टेटेड कि जो उसका जीडीपी ग्रोथ रेट होगा दैट विल बी एट 7.4%. सो अगेन रिपीट गाइस, आरबीआई हैज इंक्रीज्ड द रेपो रेट द बेंचमार्क रेट बाय 0.25% या 25 आधार अंकों से शुरू किया है, एंड जो अभी आपका रेपो रेट है दैट इज बेसिकली एट 6.5%, जो कि आपके सामने देखिए यहां पर हमने दिया भी हुआ है 6.5% पे, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट इज एट 7.4%. ओके, चलिए आगे बढ़ें एंड ले चलें आपको हमारी अगली खबर पे. आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या करें. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ शो को लाइक मत कीजिएगा, पर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये हेडलाइन क्लियर हो गई है. ओके, लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. मलामपूजा डैम ओपनड आफ्टर 4 ईयर्स. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही चटकदार मज़ेदार खबर है, बिकॉज एंड थोड़ी सी वरीसम भी है. इट्स वेरी समथिंग टू वरी एज वेल कि द शटर्स ऑफ द मलामपूजा डैम विच इज़ द लार्जेस्ट इरीगेशन डैम इन द एंटायर केरला हैज़ बीन ओपन्ड बाय 3 centimeters बिकॉज द वाटर लेवल क्रॉस्ड 114.88 meters. द फुल स्टोरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम इज़ 115.06, और इसलिए और ये पहली बार है 4 सालों में जब इसको यहाँ पर ओपन किया गया. सो जो मलामपूजा डैम है दैट हैज बीन बेसिकली ओपन्ड आफ्टर 4 ईयर्स, नंबर 1. नंबर 2, इट इज केरलास लार्जेस्ट इरिगेशन डैम. नंबर 3, द लेवल ऑफ वाटर हैज क्रॉस्ड इन केरला 114.88 meters इन सराउंडिंग दैट डैम. जो इसका मैक्सिमम स्टोरेज है वो है आपका 115.06 meters, और 4 साल में ऐसा यहां पर पहली बार हुआ है. तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 4 स्पिलवे शटर जो होते हैं वो डैम के ओपन किए गए, और जो उसका टोटल एक स्टोरेज स्पेस है जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है अगर हम कंपेयर करें, तो दैट इज़ 115.06, और 4 सालों में ऐसा पहली बार हुआ. सो गाइस द रीज़न इज ऑफकोर्स द रेनफॉल, द फ्लड्स, वो भी एक रीज़न है. द पॉसिबल फ्लड्स दैट कैन बी ऑल्सो रीज़न. सो नाउ वील डिस्कस दैट अपार्ट फ्रॉम दिस डैम्स वॉट आर द अदर फेमस डैम्स इन द कंट्री. ये तो हमें पता चल गया कि जो मलामपूजा डैम है दैट इज़ इन केरला, वी ऑल नो दैट, बट नाउ विल डिस्कस कि इसके अलावा और आपके कौन कौन से डैम है. तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ वो ग्राफिक. अच्छा, वो ग्राफिक आपके सामने दोस्तों ये रहा. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट डैम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय दैट इज़ द सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है. देन वी हैव द श्रीसेलम डैम विच इज़ ऑन कृष्णा, इट इज़ इन तेलंगाना आंध्रा. रंजीत सागर डैम रावी पर है पंजाब में. सिमिलरली गांधी सागर डैम चंबल एमपी में है. मुलपेरियार जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है वो इडुकी डिस्ट्रिक्ट में है केरला के. ओके, आगे बढ़ें और डैम्स की बात की, नागार्जुन सागर कृष्णा पर अलग अगेन तेलंगाना. देन वी हैव द रिहन डैम यूपी में रिहन रिवर पे. उकाई डैम तापी रिवर पे गुजरात में. उरी डैम जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल अगेन है झेलम में है जम्मू कश्मीर में. तेहरी डैम भागीरथी में है. भाखरा डैम सतलज पे है. इडुकी आज डैम पेरियार पे. हीराकुड डैम महानदी पे. तो कई सारे डैम्स मैंने आपको यहाँ पर दे दिए. सो एक डैम की हमने बात की दोस्तों, दैट डैम बेसिकली इज इन केरला. उसके अलावा मैंने अब आपको दे दिया कि वो और कौन कौन से आपके डैम्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं. आपको ना सिर्फ उनका नाम याद रखना है बल्कि उनका रिवर उनका स्टेट भी आपको याद रखना है. एक नंबर का सवाल हर एग्जाम में आता है. इन एवरी एग्जामिनेशन देर इज़ अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम डैम्स. तो प्लीज़ इसको एक बार आप देख लीजिएगा. एंड ये भी हमारी जो नए हम चेंजेस कर रहे हैं अपने शो में उसका ये पार्ट है. सो बहुत ही सिंपल सी खबर थी. द डैम इन केरला उसके शटर्स ओपन हुए 4 साल बाद, एंड ये आपके सामने हमने एक डैम्स का एक ग्राफिक दे दिया. प्लीज़ इसको जो PDF आपके पास मिल जाए तो इसको पढ़ लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भैया प्लीज़ एक बार ज़रा स्माइल कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा सुबह सुबह अगर आप सब स्माइल करते हैं. तो लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस, जो कि ये रही आपके सामने. नाउ गाइस दिस इज अ GI लोगो. GI मतलब जिया हो बिहार के लाला नहीं होता है, GI होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. और व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज बेसिकली अ सूचक. ये एक इंडिकेटर है ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम प्रिवलेंट इन अ स्टेट. एक ऐसा एक पैरामीटर है बताता है कि उस एरिया में ये चीज़ काफ़ी फेमस है. दैट पर्टिकुलर आइटम इज फेमस फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट. उस स्टेट के लिए वो आपका फेमस होता है, इसलिए GI डैम की हम बात करते हैं. तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने मैं दिया भी हुआ है साफ साफ.
जो कि आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख भी रहे हैं कि GI लोगो जो है उसको बेसिकली लॉन्च किया गया है, उसका टैगलाइन को भी लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, इसको अगर लॉन्च करने की बात करें, इट हैज़ बेसिकली बीन लॉन्च्ड बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु। उन्होंने इसको बेसिकली लॉन्च किया था एंड ही लॉन्च द लोगो एंड द टैगलाइन ऑफ GI। इससे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको हेल्प मिलेगा, और इसके लिए एक कंटेस्ट हुआ था डिजाइनिंग लोगो का और टैगलाइन का GI के लिए। तो ज्योग्राफिक इंडिकेशन बेसिकली इट्स एन इंडिकेटर ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम्स प्रेजेंस इन अ पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जांपल टुंडे कबाब या कबाब इज़ फ्रॉम लखनऊ, मुँह पानी आ गया। रसगुल्ला जो कि अब वेस्ट बंगाल का है पर उड़ीसा ने भी उस पर अपना हक जताया था। कड़कनाथ चिकन ये काफ़ी फेमस है। फॉर एग्जाम्पल चिकनकारी दैट इज़ फ्रॉम लखनऊ। तो ऐसी चीज़ें हैं जो देर आर वेरियस आइटम्स विच आर सिनोनिमस टू सिटीज़। फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरियस आइटम्स कांजीवरम साड़ी फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी सिनोनिमस। तो ये चीज़ें आपकी GI टैग में आपकी आती हैं। ऑलराइट, तो जो आपका जियोग्राफिक इंडिकेशन का लोगो है, टैगलाइन है, उसको सुरेश प्रभु ने लॉन्च किया। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या क्या और आपके फेमस GI टैग्स हैं अलग अलग स्टेट में। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये ग्राफिक दे दिया है जहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल द कनी शॉल इट इज फेमस इन जम्मू कश्मीर, देन वी हैव कुल्लू शॉल विच इज फेमस इन हिमाचल प्रदेश, देन वी हैव मधुबनी पेंटिंग जो बिहार में काफी फेमस है, नक्शी कंठा वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा इकार जो कि उड़ीसा में काफी ज्यादा फेमस है, देन वी हैव बस्तर धोकरा छत्तीसगढ़ में, पोचमपल्ली इकार आंध्र प्रदेश में, सलीम फैब्रिक तमिलनाडु में, कंचीपुरम तमिलनाडु में, देन अरानमुला केरला में, मैसूर कर्नाटका में, सोलापुर महाराष्ट्र में, कच्छ गुजरात में, चंदेरी मध्य प्रदेश में, और ब्लू पाटुरी आपकी जयपुर फेमस है। ये ग्राफिक अगर आपको कम भी दिख रहा है परेशान ना होइएगा, जब PDF डाउनलोड आपका हो जाएगा उस PDF में एक बार आप पढ़ लीजिएगा। सो गाइज, आई हैव गिवन यू बेसिकली अ ग्राफिक ऑफ इंडिया एंड द GI टैग्स। इस ग्राफिक को प्लीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसमें मैंने कोशिश की है आपको दिखाने की कि कम से कम हर एक स्टेट में एक आपको GI टैग तो मिल जाए। और दोस्तों अगर ये पसंद आया लाइक मत कीजिएगा, पर बता दीजिएगा ये सर पसंद आया, ऐसे ही लगे रहिए और हमें हेल्प करते रहिए। मुझे लाइक्स नहीं पसंद है, बहुत मैंने लाइक्स आपसे ले लिए थे। नाउ आप कमेंट्स कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर हमें समझ में आया। बाकी जिनको छोटा दिख रहा है आप परेशान ना रहिएगा, आपको PDF में ये चीज आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर। डेनमार्क्स बैन ऑन वेल कम्स इनटू फोर्स। डेनमार्क में जो बुरखा बैन था उसको अब अप्लाई किया गया है। बेसिकली इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक पॉलिसी ऑफ सर्टन रिलीजन, पर फिर भी वहाँ पर जो बुरखा बैन है उसको लाया गया है, जो कि आपका डेनमार्क में इसको कम्प्लीटली फोर्स किया गया है। नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, आप सवाल मेरा आपसे है, बताना है आपको दो चीज़ें, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क एंड व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ डेनमार्क। ये दो चीज़ें आप बता दीजिएगा कि कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। पर बहुत ही सिंपल सी दोस्तों खबर है कि जो डेनमार्क है वहाँ पर बुरखा बैन जो है वो अब आपका हो गया है एंड वहाँ पर बुरखाज आपके अब अलाउड नहीं है। बुरखा तो मुझे पता है, आप सबको पता होगा कि क्या होता है, तो उस पर मैं आगे नहीं जाऊँगा। पूजा गुप्ता जी पूछ रहे हैं GI टैग मतलब देश की फेमस चीज़ें। हाँ कह सकते हो, दे आर फेमस फॉर पर्टिकुलर स्टेट, बिल्कुल आप कह सकते हो ऐसा भी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी देखो आंसर आ भी गया, कोपनहेगन आपकी कैपिटल है एंड क्रोन या क्रोनर आपकी जो क्रोन बेसिकली आपकी करेंसी है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन। कैबिनेट ओकेज 51% स्टेक फॉर LIC इन IDBI। 51% शेयर्स ऑफ LIC हैज बीन अप्रूव्ड। द गवर्नमेंट विल डिक्रीज इट शेयर्स एंड द LIC विल अक्वायर दो शेयर्स एंड वो अब मेजॉरिटी होल्डर होगा IDBI बैंक में। हम सब जानते हैं LIC वॉज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द IDBI, इन अक्वायरिंग द IDBI बैंक। इट हैड अ सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स इन द IDBI बैंक, पर अब उसको कैबिनेट ने भी, जो यूनियन कैबिनेट है, उसने भी अप्रूवल दे दिया है टू हैव 51% इन द IDBI। नाउ वी ऑल नो गाइस कि IDBI बैंक जो आपका है वो पिछले काफ़ी समय से इट हैज़ बीन इन लॉसेज, ह्यूज लॉसेज में आपका IDBI बैंक रहा, इस वजह से दिक्कतें हुई थी एंड नाउ LIC विल बेसिकली ट्राई टू
परसुएड द आई डी बी आई टू नॉट सिंक द शिप. वो कोशिश करेगा कि आई डी बी आई भैया अपना जो शिप है उसको ना सिंक करे. एंड बेसिकली फॉर दैट इट हैज़ इन्वेस्टेड 51% इन द आई डी बी आई बैंक. तो बहुत ही सिंपल सी खबर यहाँ पर है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं. ओके बिल्कुल सही कह रहे हैं रेखा जी, आप जो आंसर लिख रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं जो कि स्क्रीन पर भी आपके दिया हुआ है. तो चलिए आगे बढ़ते. बहुत ही सिंपल सी खबर थी कि LIC विल अक्वायर नाउ फाइनली 51% स्टेक इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब आपको ले चलते हैं हमारी अगली खबर पर. दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, येस सर येस सर समझ में आ रहा है. मैं बस इतना ही चाहता हूँ आपसे, लाइक नहीं चाहता हूँ भैया, बता रहा हूँ आपको, पर लिख दीजिएगा येस सर समझ में आ रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन. ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको. अब बात करते हैं आज के फाइनेंशियल टर्म्स की. दोस्तों आज हमारे दो फाइनेंशियल टर्म्स हैं, आइए उनको हम दिखा देते हैं आपके सामने. पहला जो है दैट इज CRAR, और दूसरा जो आपका है दैट इज PCR. सबसे पहले आई होप एवरी वन नोज द फुल फॉर्म, तो प्लीज जरा कमेंट्स में डालिएगा कि CRAR का फुल फॉर्म क्या है एंड PCR का फुल फॉर्म क्या है. देखिए CRAR का फुल फॉर्म है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, एंड PCR का फुल फॉर्म है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो. आई अगेन रिपीट गाइस, द फुल फॉर्म ऑफ CRAR इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, एंड PCR का फुल फॉर्म है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो. अब यहां पर आइए बात करते हैं सबसे पहले हम CRAR के बारे में, जो कि ये रहा आपके सामने. सबसे पहले दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को याद रखिएगा. देखिए बाकी चीजें आप भूल जाइएगा, सिर्फ फॉर्मूला जो है उसको याद रखिएगा. फॉर्मूला इसका होगा टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स इंटू 100. से फॉर्मूला ही एग्जाम में आएगा, टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स इंटू 100. ये मैंने उठा लिया कहीं से भी गूगल से, तो इसको भूल जाइएगा. कुक रेशियो बेसिकली ये आपका CRAR है, एंड इसका देखिए फुल फॉर्मूला है टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स इंटू 100. यहाँ पर एक वर्ड आया रिस्क वेटेड असेट. व्हेन वी कंपेयर द लोन गिवन विद दी रेट ऑफ रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का आपका लोन था और 80 करोड़ ही वापस आएगा, तो यहाँ पर जो रिस्क वेटेज हुआ वो हुआ 80% या फिर 80 करोड़. सो बेसिकली फॉर्मूला बनेगा Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स इंटू 100. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी फॉर्मूला रखिएगा, रिस्क वेटेड असेट्स इज एन असेट्स व्हेन वी कंपेयर द लोन गिवन विद द रिस्क अटैच. फॉर एग्जाम्पल लोन तो दिया 100 करोड़ का, पर 20% का रिस्क है, तो जो रिस्क वेटेड असेट बनेगा दैट विल बी 80 करोड़. 80 करोड़ रुपये जो आपका है वो आपका बनेगा, 20 करोड़ रुपये जो है वो आपका लॉस का पार्ट रहने वाला है. तो फॉर्मूला बनेगा टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स इंटू 100. प्लीज एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर यस सर यस सर हमें फॉर्मूला समझ में आ गया है. आश्विन अविनाश, वेल फॉर दिस क्वेश्चन ये आज के पेपर मेंशन नहीं था, तो मैंने खुद से लिया है, बिकॉज मैं रोज आपसे प्रॉमिस किया है कि दो फाइनेंशियल टर्म्स को डिस्कस करेंगे, तो ये हमारा पहला टर्म है. तो भाई रट्टा मार लीजिएगा, प्लीज मगअप कर लीजिएगा, बाल्टी भर के याद कर लीजिएगा. टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स इंटू 100, इतना ही पढ़िएगा, इतना ही एग्जाम में आता है. तो एक बार कमेंट में डाल दो यस सर फॉर्मूला हमें याद हो गया, यस सर वी हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला. ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टर्म गाइस. जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो या फिर PCR. इसकी हम बात दोस्तों यहाँ पर करेंगे, दैट इज प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो या फिर आपका है PCR. फॉर एवरी लोन गिवन आउट द बैंक्स कीप असाइड सम एक्स्ट्रा फंड्स टू कवर अप लॉसेज इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद दिस लोन्स, दिस इज कॉल्ड एज प्रोविजनिंग. जब कभी एक बैंक लोन देता है तो कुछ हिस्सा एडिशनल वो अपने पास रखता है ताकि अगर कल को लॉस भी हुआ तो उस अमाउंट को यूज करके लॉस को रिकवर कर लेगा. दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोविजनिंग. आई अगेन रिपीट गाइस, व्हेन एवर अ लोन, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान सुनिएगा, व्हेन एवर अ लोन इज गिवन बाय अ बैंक टू एनीवन, इट कीप्स असाइड अ एडिशनल फंड. That particular fund is used if the loan is not recovered or something basically goes wrong. उसे हम कहते हैं provisioning. All right? अब provisioning ratio यहाँ पर क्या होता है? It refers to the fund to be kept aside by the banks as a fraction of the loans. Loan का कितना part reserve में रखा गया है? That ratio, guys, is basically called as provisioning coverage ratio. So I'll explain again for the last time.
जब किसी लोन के लिए कुछ हिस्सा अलग से रखा जाए, अगर लॉस हो तो उस हिस्से को यूज करके रिकवर किया जाए, दैट इज प्रोविजनिंग, एंड द रेशियो ऑफ द टोटल रिजर्व्स अपॉन द टोटल लोन, दैट रेशियो गाइज इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। तो अगर क्लियर हो गया एक बार जरा कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस यस यस, ताकि हम आगे बढ़ सकें अपने अगले हेडलाइन पर, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर। इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन अमंग फील्ड्स मेडल विनर्स, भारत के भारतीय मूल के एक गणितज्ञ हैं, उनका नाम है मिस्टर अक्षय वेंकटेश, ही हैज़ वन द फील्ड्स मेडल। नाउ सवाल यहाँ बनेगा कि सर ये जो फील्ड्स मेडल है ये है क्या, आइए इसकी आपके सामने बात कर लेते हैं। देखिए फील्ड्स मेडल जो आपका है, फील्ड्स मेडल इज बेसिकली द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। आप सब जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबल डिड नॉट अलाउ और डिड नॉट विश टू हैव अ नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स, बिकॉज कॉलेज में उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका मैथ्स का प्रोफेसर भाग गया था। एक्चुअली द मैथ्स प्रोफेसर ऑफ हिज कॉलेज रैन अवे विथ हिज गर्लफ्रेंड, इस वजह से लोग कहते हैं कि मैथ्स का नोबेल प्राइज नहीं है। सो बेसिकली जो फील्ड्स मेडल है दैट हैज़ बीन टर्म्ड एज द नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, और 1980 से जो एक थ्योरम था उसको डिफरेंट वे में प्रूफ करने के लिए वेंकटेश जी को ये जो एक फील्ड मेडल है ये दिया गया है। सो मिस्टर अक्षय वेंकटेश, ही हैज वन द फील्ड्स मेडल व्हिच इज ऑफ कोर्स कॉल्ड एज अ नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, एंड ही हैज वन टू प्रूव अ डिफरेंट वे टू प्रूव अ थ्योरम ऑफ द 1980s। तो एक बार जरा कमेंट्स में लिख दीजिएगा यस यस यस, वी अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर हेडलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। नाउ इज द टाइम फॉर अदर हेडलाइन। दोस्तों अगर आपको शो का स्पीड समझ में आ रहा है, इफ यू आर लाइकिंग द स्पीड, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी वेरी प्रिसाइज एंड कट टू कट सो दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड, सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्पीड देन प्लीज लेट मी नो यस 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 वी आर अंडरस्टैंडिंग द स्पीड गाइस। ओके लेट्स नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट ऑफ द अदर हेडलाइंस, जो कि ये रही आपके सामने। गाओ फेन 1.1 हैज बीन लॉन्च्ड बाय चाइना, इट इज़ अ हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि स्क्रीन पर भी आप फिलहाल देख पा रहे हैं कि गाओफेन जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय चाइना। नाउ इट वॉज लॉन्च्ड, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, और इट विल, एंड गाओफेन का मतलब इंग्लिश में होता है हाई रेजोल्यूशन, बेसिकली इट मीन्स हाई रेजोल्यूशन इन चाइनीज, नंबर वन। नंबर टू, चाइना एम्स टू लॉन्च 7 हाई डेफिनेशन सैटेलाइट्स बिफोर 2020। तो गाओफेन 11 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय चाइना, नंबर वन। नंबर टू, इट इज़ बेसिकली एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नंबर टू। नंबर थ्री, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी, उसने इसको बेसिकली डेवलप किया है, एंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज़ हाई रेजोल्यूशन या फिर उच्च संकल्प नहीं कहूँगा, हाई रेजोल्यूशन ही कहूँगा। और बाय 2020 7 सच सैटेलाइट्स शैल बी लॉन्च्ड बाय चाइना, 2020 तक 7 और सैटेलाइट्स को चाइना आगे चलकर लॉन्च कर देगा। चलिए आगे बढ़ते, बहुत ही सिंपल सी खबर थी, लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टॉप 7 इंडियन फर्म्स ऑन द फॉर्च्यून 500 लिस्ट। देखिए इस पर हम आगे आएंगे बिकॉज इस पे दैनिक भास्कर में काफी अच्छा दिया हुआ है, सो वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर हेडलाइन इन डिटेल इन दैनिक भास्कर। तो अभी इसको स्किप करते हैं, अभी याद रखिएगा कि IOC जो है, दैट इज द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दैट हैज टॉप्ड द 7 इंडियन फर्म्स इन द फॉर्च्यून 500। इंडियन ऑयल की जो रैंक है वो आपकी है उच्चतम रैंक पे है, और ओके और उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। द रैंक ऑफ इट इज़ एट 137। चलिए इस पर डिस्कस कर लेंगे आगे, ये रहा आपके सामने अब हमारा अगला हेडलाइन। The largest pan India rural sanitation survey will commence on 1st August 2018। इंडिया का सबसे बड़ा जो एक ग्रामीण स्वच्छता सर्वे है उसको शुरू किया जाएगा, मतलब कल ये आपका ऑलरेडी आपका शुरू हो गया है, और इसका जो मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री कंसर्न्ड इज द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, जो स्वच्छ जल और सफाई और स्वच्छता की जो मंत्रालय है वो इसको वर्क कर रहा है, एंड रैंकिंग निकाली जाएगी डिस्ट्रिक्ट की बेस्ड ऑन देयर स्वच्छता स्तर, बेस्ड ऑन द सैनिटेशन लेवल दे विल रैंक द डिस्ट्रिक्ट्स। इट विल इंक्लूड वेरियस क्राइटेरियाज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ टॉयलेट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस एंड फीडबैक फ्रॉम सिटीजन्स। तो 1 अगस्त से शुरू हुआ है आपका भारत का सबसे बड़ा पैन इंडिया रूरल सैनिटेशन सर्वे,
और इसको देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, नंबर वन। नंबर टू, इस पर चेक किया जाएगा कि कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका लोग यूज़ तो क्या अभी भी खेत में ही जा रहे हैं या फिर उसका यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली दे विल टेक फीडबैक फ्रॉम द पीपल। तो कई सारे काम आपके यहाँ पर किए जाएंगे। ये आपका 1st of August से यहाँ पर शुरू किया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगर आपको क्लियर लगा तो एक बार लिख दो यस सर, लाइक भले मत करना। चलिए लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस। गुलाम नबी आज़ाद नजमा हेपतुल्ला टू बी गिवन पार्लियामेंटेरियन अवार्ड्स। दो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हमारे राजनेता हैं, जिनको मैं नहीं कह रहा, जिनको पार्लियामेंट कह रहा है। दे हैव बीन अवार्डेड दी आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड इन फॉर द प्रीवियस ईयर्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल और भी लोग हैं, पर ये दो काफ़ी फेमस हैं। नजमा हेपतुल्ला जो है, शी विल गेट दी आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड फॉर 2013। हुकुम देव यादव फॉर 2014। देन गुलाम नबी आज़ाद फॉर 2015। TMC दैट इज तृणमूल कांग्रेस MP दिनेश त्रिवेदी फॉर 16 एंड महता फॉर 2017। तो आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड दिए गए, जिनमें ये सारे अवार्ड आपके सामने मैंने स्क्रीन पर दिखा दिए, जिसमें 2013 के लिए नजमा हेपतुल्ला को, हुकुम देव यादव को 14 के लिए, 15 के लिए आज़ाद साहब को, और 16 के लिए त्रिवेदी जी, और 17 के लिए महताब को दिया जाएगा। सब मर जाएंगे, त्रिवेदी बचेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट ऑफ द हेडलाइन, जो कि ये रहा आपके सामने। इंडिया इम्पोजेज सेफ गार्ड ड्यूटी ऑन सोलर सेल्स। मैंने कल आपसे बताया था, जो लोग कल आए थे, वी हैड डिस्कस इन डिटेल व्हाट अ सेफ गार्ड ड्यूटी इज। सो प्लीज़ कल का PDF देख लीजिएगा। सेफ गार्ड ड्यूटी इज बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई नॉट डिस्कस इट फर्दर बिकॉज वी डिस्कस्ड इट यस्टरडे, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट पर्टिकुलर टर्म। सो इंडिया इम्पोज सेफ गार्ड ड्यूटी ऑन सोलर सेल्स इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड मलेशिया फॉर 2 ईयर्स। आने वाले 2 सालों के लिए चाइना और मलेशिया से जो इम्पोर्ट्स हैं सोलर सेल्स, उन पर एक सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा। एंड दैट पर्टिकुलर ड्यूटी का इज इट हैज़ बीन केप्ट एट 25%। उसको बेसिकली 25% पर यहां पर रखा गया है। सो जो सेफ गार्ड ड्यूटी है वो 25% रखा गया है ऑन बेसिकली दी सोलर सेल इंपोर्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, जो कि ये रही स्क्रीन पर। ये स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं दैनिक भास्कर की। ओके, एंड एक खबर जो आपको पता होगी वो ये है कि रेपो रेट आपका बढ़ गया, जिससे कि नाउ द ऑटो लोन्स, द होम लोन्स, ये सारे लोन्स जो आपके होंगे, दे विल बेसिकली इंक्रीज। उनका जो एक इंटरेस्ट रेट है, दैट विल बेसिकली इंक्रीज, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि द ऑटो होम लोन्स शैल बेसिकली इंक्रीज फर्दर। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें हमारी डिटेल में खबर की। मैंने बताया था आपको कि इन फॉर्चून 500 द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज एट 137th। आइए बात करते हैं और क्या क्या यहाँ पर है। तो ये रहा इसका डिटेल में, इट हैज़ बीन मैंशन बेसिकली इन दैनिक भास्कर। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ इमर्ज एज द टॉपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ ऑल्सो जंप 3 places। एट द टॉप ऑफ दिस लिस्ट इज वॉलमार्ट। तो फॉर्चून 500 में जो नंबर वन आपकी कंपनी है, उसका नाम दोस्तों यहां पर, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज वॉलमार्ट। एंड IOC इज एट 137th, रिलायंस इज एट 148th, एंड ONGC जो आपका है वो आपका 197th प्लेस पे है, जो कि 17 में इंक्लूडेड आपका नहीं था। सो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फॉर्चून मैगजीन, तो वहां पर टॉप 500 में वी हैव वॉलमार्ट नंबर वन। नंबर टू जो आपका वर्ल्ड वाइड नंबर वन है वो आपका वॉलमार्ट है। नंबर इंडिया का IOC जो है 137th है, और जो आपका मुकेश अंबानी का है वो आपका 148th रैंक पर है। सिमिलरली जो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ONGC, दैट इज़ एट 197, और पिछले साल इसको इसमें जगह नहीं मिली थी। तो एक बार ज़रा इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तारिक सोफी, डू नॉट वरी, वी आर डिस्कसिंग इन बोथ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंग्लिश एंड दिस माई फ्रेंड is Hindi, so I'm catering to everyone else. हाँ, और भी हैं आपकी, पर वो देख लीजिएगा। मैंने आपको टॉप 3 और 4 जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5G स्पेक्ट्रम देर विल बी बेसिकली। अच्छा, इसको ये बहुत बड़ी खबर तो नहीं है, पर एक बार जान लीजिएगा कि वॉट इज़ बेसिकली अ 5G स्पेक्ट्रम। यही एक खबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली व्हाट इज़ अ 5G स्पेक्ट्रम। नाउ 5G स्पेक्ट्रम इज़ अ मीडियम ऑफ मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसको अलॉट किया जा रहा है।
एंड इसको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को अलॉट किया जाएगा. तो आई नॉट डिस्कस दिस वेरी डीपली बिकॉज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा अबाउट 5G स्पेक्ट्रम. 5G स्पेक्ट्रम इज बेसिकली अ वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी दैट शैल बी ऑफर टू द कंपनी, जिससे कि जो नेट की स्पीड है, जो वायरलेस स्पीड है, दैट कैन इंक्रीज मैनिफोल्ड, उसको हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ. सो दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम हैज़ बीन स्टार्टेड टू बी अलॉटेड. तो वो चीज़ यहाँ पर आपके सामने दिया भी हुआ है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस पर अगर समझ में नहीं आए परेशान ना होइएगा, सिर्फ आपको पढ़ना है व्हाट इज 5G स्पेक्ट्रम, वो आप गूगल कर सकते हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी चीज़ें यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बारी है हमारे आज के क्विज की. सो आई होप आप सब तैयार हैं. द फर्स्ट इंडिया नेपाल थिंक टैंक समिट वॉज हेल्ड इन डैश टू फोस्ट ग्रेटर कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग द थिंक टैंक्स ऑफ द टू कंट्रीज. कहाँ पर आपका ये हुआ था? वेल द आंसर इज इट इज इन काठमांडू. अगले सवाल पे आते हैं. The third BRICS Film Festival took place in Durban, South Africa, along with International Durban Film Festival. In Indian films, who won the Best Actress Award? इनमें से at the Durban National Film Festival, who won the Best Actress Award? Well, the answer is it is Bhanita Das or Bhanita Das. Next सवाल पे आते हैं. Name the state government that has recently signed an MOU with a private trust, Sohan Lal Ji, Buladev Ji, Ojha Goshala Samiti, to build its first cow sanctuary. Well, the answer guys here is it is option C. That is Rajasthan. यहाँ पर आपका बना था, रिसेंटली साइन किया था सोहन लाल जी इन्होंने एक काउ सेंचुरी, कहाँ पर? राजस्थान में. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. नेम द पेटीएम पेमेंट्स बैंक सीईओ हु हैज रिजाइन रिसेंटली फ्रॉम द रोल एंड विल नाउ हेड पेटीएम्स न्यू रिटेल इनिशिएटिव. हाल ही में कौन से पेटीएम बैंक के सीईओ, पेमेंट्स बैंक के सीईओ हैं जिन्होंने रिजाइन किया और वो अब पेटीएम का जो नया रिटेल इनिशिएटिव है उसको हेड करेंगे? वेल द आंसर इज इट इज रेनू सतसुत्ती. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation announced appointment of Surendra Rosha as the CEO for HSBC India. He has replaced, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? The answer is Jayant Rikhiye. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. नेम द वेटरन बंगाली राइटर हुज स्टोरी अभिमन्यु वॉज मेड इन टू अ हिंदी मूवी एक डॉक्टर की मौत एंड हु हैज पास्ट अवे. उस राइटर का दोस्तों यहाँ पर नाम क्या है, ये मेरा आपसे सवाल है. द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज रमापदा चौधरी. नेक्स्ट सवाल पर दोस्तों आते हैं. नेम द इंडियन कंपनी बैंक दैट हैज़ बीटन TCS टू बिकम द मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन इंडिया. कौन सा उस कंपनी का नाम है? वेल द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट सवाल दोस्तों आते हैं. अमेरिकन एंड स्पैनिश साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू शेप कॉल्ड डैश वाइल स्टडिंग नेचर्स वे ऑफ मोल्डिंग टिश्यू टू फॉर्म द स्किन कैविटी लाइनिंग्स एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गन्स. क्या उस पर्टिकुलर शेप का नाम है? Is it prismoid, celloids, prismatic or scotoid? Well, the answer guys here is, the answer is, it is of course option D, that is scotoid. बिल्कुल ये सही दिया. दोस्तों अगर आपको सही लग रहा है तो लिख दीजिएगा yes से जैसे, बाकी like तो आप करते नहीं है तो मत करिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Name the state government that has launched a smartphone distribution scheme called Mobile Tihar under Sanchar Kranti Yojana with actress Kangana Ranaut. उनके साथ ये तिहाड़, मोबाइल तिहाड़ जो है, ये जो स्कीम है ये आपकी लॉन्च कहाँ हुई है, ये मेरा आपसे सवाल है. एंड द आंसर गाइस हियर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज छत्तीसगढ़. और आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर. द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ईज्ड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स फॉर हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सेल्स टू इंडिया बाय एलिवेटिंग इट्स स्टेटस टू STA 1 कंट्री. STA जो मैंने कल आपको बताया था उसका यहाँ पर आंसर क्या होगा? वेल द आंसर गाइस हियर इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1. इसको इंडिया ने सेटअप किया था, ये इसका यहाँ पर दोस्तों आंसर है. चलिए तो अब आपको ले चलते हैं हमारे आज के मैप प्रैक्टिस पर. एंड आज को जो हमारा मैप रहेगा दैट विल फोकस ऑन अ कंट्री दैट इज़ अ फुटबॉल फ्रेंजी नेशन. ये फुटबॉल की लीडिंग कंट्रीज में से एक है. एंड नेमार, रोनाल्डो, दीज प्लेयर्स हैव प्लेड फॉर दिस कंट्री. एंड इस कंट्री का दोस्तों नाम है, द कंट्री दैट विल डिस्कस हियर इज बेसिकली द कंट्री ऑफ ब्राज़ील. आइए ब्राज़ील की बात करते हैं आज. तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके साइड में एक जगह पैसिफिक ओशन है, दूसरी जगह आपका अटलांटिक ओशन है. ऑन वन साइड इट ऑल्सो हैज अटलांटिक ओशन. सो दो ओशन से घिरा हुआ है, एक पैसिफिक और एक आपका अटलांटिक. और आइए बात कर लेते हैं इसके नेबर्स के बारे में. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहली बात तो आपको याद करना पड़ेगा कि ब्राज़ील का कैपिटल क्या है.
ओके, इसकी एक बहुत ही बड़ी सिटी है, उसका नाम है रियो डी जेनेरियो, जो कि इसकी सबसे बड़ी शहर है, पर इसका जो कैपिटल है वो क्या है, इट इज़ बेसिकली ब्रसीलिया। सिमिलरली साओ पोलो भी काफ़ी बड़ी यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है इन ब्राज़ील। इनके नेबर्स की बात करें तो वी हैव बोलीविया, वी हैव पराग्वे, वी हैव अर्जेंटीना, उरुग्वे इसका नेबर है, पेरू इसका नेबर है, देन यू कैन ऑल्सो सी द रिवर अमेजोन जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, ये सब यहाँ पर इसके नेबर्स में आपके आते हैं। सो ओवरऑल ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, एंड उसके नेबर्स मैंने आपको बता दिए, एंड यहाँ पर और चीज़ें आप फिलहाल देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब एंड करते हैं दोस्तों आज की चर्चा का, विद दिस वी कम टू एन एंड, मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे फिर से। एंड गाइस, अगर आपको शो पसंद आ रहा है, मुझे नहीं दिक्कत है, आप शो को लाइक कीजिए, आप मत कीजिए, पर प्लीज़ दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो 3 लोगों को बताइए कि ये शो अच्छा है, आप भी देखिए, बिकॉज अगर अच्छे लोग ये शो देखेंगे तो ये शो और अच्छा होगा, एंड आपकी जब डिमांड्स और बढ़ती जाएंगी तो हम शो को और अच्छा करते जाएंगे। विद दिस लाइन, दिस इज़ कुश पांडे कम साइनिंग आउट। इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल गिव यू द PDF, शो के जस्ट बाद आपको PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं उसको कमेंट भी कर दूंगा, उस PDF को एक बार आप देख लीजिएगा। आप सबका आने के लिए बहुत ही धन्यवाद। Thank you so much guys for coming here, and we'll meet you tomorrow same time same place at 7 a.m. Bye bye, take care and peace out.